रिश्ता मैं मेट्रो के संदर्भ में जो दहीसर से मीरा भयंदर तक मेट्रो की घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री ने की है कि मीरा भयंदर में मेट्रो 2022 तक आ जाएगी, उसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही में ये कहना चाहते हैं कि 2017 के महापालिका के चुनाव से पहले तो मुख्यमंत्री साहब ने आकर के यहाँ पे उसका फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी किया और कॉरपोरेशन के चुनाव के वक्त सभा में आके उन्होंने ये कहा कि 2019 में मेट्रो शुरू हो जाएगी, चालू हो जाएगी। उसी दौरान हमने भी कॉरपोरेशन के चुनाव में ये उनका जवाब देते हुए कहा था। मेरा चैलेंज है कि अगर डेढ़ साल में, सिर्फ डेढ़ साल बचे अनाउंसमेंट करने के बाद, अगर 2019 तक के मीरा भयंदर तक के मेट्रो चालू हो गई, नियोजन नहीं, कंस्ट्रक्शन नहीं, मेट्रो चालू हो गई, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। में कोई भी बजट प्रावधान मीरा भयंदर की मेट्रो के लिए नहीं किया है। पेपर में जो न्यूज आई है उसके चलते हुए ये बताया गया है कि दिसंबर तक यह टेंडर कर लिया जाएगा और जनवरी से काम शुरू हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। साथ में 6,500 करोड़ की लागत है, 1,500 करोड़ महाराष्ट्र सरकार देगी, 4,000 करोड़ 4,500 करोड़ जो है वो अन्य फिनेंशियल इंस्टीट्यूट से, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से लिया जाएगा। तो हम ये पूछना चाहते हैं, क्या इन फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और MMRDA और दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन अप्रोच हो चुकी है? क्या उन्होंने अपना फिनेंशियल डिटेल्स, वायबिलिटी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट सारा उनको दिया है? क्या उनके साथ MOU साइन हो गया है? ये सब कुछ नहीं हुआ है और ये सब नहीं होने के चलते हुए ये इस बात पे प्रश्न लग जाता है कि 2022 में भी ये मेट्रो बिल्कुल शुरू नहीं होगी। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि मुंबई के एक्सटेंडेड सबर्ब्स में रहने वाले लोग, विशेषता मीरा भयंदर के लोग, दहीसर, बोरीवली, कांदेरी, तमाम इलाके के लोग, विशेषता मीरा भयंदर के लोगों को जो ट्रैफिक की समस्या से जूझना पड़ रहा है वो तो बहुत ही विकट है। आज मीरा भयंदर से अंधेरी जाना हो, बांद्रा जाना हो, एयरपोर्ट जाना हो, 3 घंटे 3.5 घंटे 4 घंटे 4.5 घंटे लगते हैं। दहीसर मेट्रो का काम उन्होंने 7 नंबर का जो स्टार्ट किया हुआ है वो नियोजन अभावी किया। काम शुरू करने से पहले ये देखना चाहिए था कि किस तरह से ट्रैफिक का डाइवर्सिफिकेशन हो सके ताकि जनता को, आवाम को तकलीफ ना हो। 2019 तक के दहीसर तक का काम पूरा करना था, वो भी पूरा होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि अगले 3-4 साल तक के मीरा भयंदर की जनता को, दहीसर की जनता को ये कठिनाई और परेशानियां फेस करनी पड़ेगी। इसके बारे में शासन के पास कोई भी पुख्ता कार्यक्रम प्लान नहीं है। ये बिल्कुल इनकी जो घोषणा रही है, पहले कल्याण महापालिका के चुनाव में जाकर के 6,000 करोड़ रुपए की घोषणा की, आज 6 रुपया नहीं पहुंचा है। भिवंडी महानगर पालिका में जाकर के 3,000 करोड़ रुपए की घोषणा की, 3 रुपया नहीं पहुंचा है। मीरा भयंदर में कंक्रीट के रास्ते और नाले बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये 15 या 17 करोड़ रुपये सिर्फ पहुँचे हैं। 100 बसेस का इनॉग्रेशन मुख्यमंत्री साहब खुद करके गए, उसमें से खाली 25 बसेस चल रही है। 100 ML/D या 300 ML/D पानी का सूर्य प्रकल्प का उद्घाटन करके गए, फाउंडेशन लेइंग करके गए, आज पीने का पानी शहर में उपलब्ध नहीं है। मेट्रो 2019 में शुरू करने का, चालू हो जाएगी घोषणा करके गए हैं, 2022 में करेंगे। इस तरह की हर बात का इनका जो है एक पॉलिटिकल इंटेंशन है, हर चुनाव से पहले और चुनाव के वक्त में आकर के अपने प्रशासन का, एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करते हैं और जनता का दिशा भी करते हैं कि जनता की परेशानियों को समझिए और कृपया करके 6,500 करोड़ रुपया का इंतज़ाम कीजिए और 2022 नहीं, 2021 में, 2020 में मोटर को शुरू कीजिए। ये हमारी विनती।